सबसे पहले यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे स्टूडेंट एबीसी आईडी, ये लिख के हम यहाँ पर गूगल में सर्च कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इस प्रकार से आप इंटरफेस देख सकते हैं वेबसाइट का। उसके बाद माई अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ये डिजी लॉकर पोर्टल पर पेज को रिडायरेक्ट कर देगा। यदि आपके पास में पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और पिन दर्ज करके साइन इन कर सकते हैं, या फिर यूज़र नेम से भी आप लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ यूज़र नेम और पिन दर्ज करके, या फिर आप अदर माध्यम से भी आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से लॉग इन आईडी नहीं तो आप यहाँ पर न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। चलिए मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस आपके मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में फुल नेम दर्ज करेंगे, यानी जो भी आपका मार्कशीट है 10th की उसके अकॉर्डिंग आपका नाम दर्ज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर दिन आएगा, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। उसके बाद में यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद में यूज़र नेम क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पर। चलिए हम यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग कोई भी एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेंगे जो वैलिड हो। उसके बाद में हम पिन क्रिएट करेंगे। पिन न्यूमेरिक होना चाहिए और 6 डिजिट में होना चाहिए। पिन कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर केवाईसी के लिए मांगा जाएगा तो यहाँ पर हम आधार नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। चलिए ओटीपी एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद में यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी मांगी जाएगी तो यहाँ पर स्टूडेंट की ईमेल आईडी हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी दर्ज कर लिया, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देंगे। यहाँ पर अलाउ के सेक्शन में आएंगे, नीचे इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो अलाउ करेंगे। चलिए यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट, बोर्ड या जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर हम इस लिस्ट से सर्च कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी सर्च कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और एडमिशन ईयर, कौन से ईयर में आपका एडमिशन था वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है या एनरोलमेंट नंबर है या फिर आपका नया एडमिशन है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, एबीसी स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड और यहाँ पर आपकी एबीसी आईडी जनरेट हो गई, इसे हम नोट कर लेंगे और गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ समय लग रहा है, आपकी डिटेल फेच हो रही है। इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर और ये यहाँ पर आपकी एबीसी कार्ड इस प्रकार से आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम ये इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एबीसी आईडी यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस प्रकार से। लेकिन ये आपका एबीसी कार्ड ओरिजिनल कार्ड नहीं है, इसे डाउनलोड करने के लिए हम चलिए बैक आते हैं और यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर लेंगे डिजी लॉकर की और साइन इन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर की वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर हम साइन इन करेंगे। तो चलिए डिजी लॉकर की वेबसाइट को खोल लेते हैं हम। उसके बाद में हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। चलिए साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से भी आप साइन इन कर सकते हैं या फिर आप आधार या यूज़र नेम, जो हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड पिन क्रिएट करे थे उससे भी आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यूज़र नेम एंटर कर लेते हैं या फिर आप आधार नंबर भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन जो हमने बनाए थे वो पिन हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे जो कि आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेजा गया है,
कोई सा भी एक ओटीपी दर्ज कर लेंगे मोबाइल का, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर डिटेल फेस हो रही है, उसके बाद में इस तरह का आपको पॉपअप मिलेगा, यहाँ गेट नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी आपकी एबीसी कार्ड की, यहाँ पर नाम और जेंडर आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपका न्यू एडमिशन था तो न्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी वैल्यू, यहाँ पर जो आपका हाल ही में आईडी कार्ड जनरेट हुआ था तो एबीसी आईडी नंबर दर्ज करेंगे हम यहाँ पर। चलिए हम एबीसी आईडी नंबर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन नेम, जो आपने यूनिवर्सिटी या आपका इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करा था वो नेम यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे। चलिए हम सर्च कर लेते हैं, हमने कोटा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा आ गया, उसे ओके कर देंगे और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ समय लगेगा, कुछ ही टाइम के बाद में आपका यहाँ पर एबीसी कार्ड जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फेज सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर एबीसी बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका पीडीएफ आ जाएगा। यहाँ पर इसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, एबीसी कार्ड की डाउनलोड पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में इस प्रकार से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लें।